नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। रागगिरी एक मंच है संगीत से सकारात्मकता का, और इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर हफ्ते नए मेहमान से। आज हम आपकी जिस मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की दिग्गज कलाकार है। मैं विनम्रता से स्वागत कर रहा हूँ सुनंदा शर्मा जी का। सुनंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने रागगिरी परिवार का हिस्सा बनाया। इसमें सचमुच कला और कलाकारों के साथ बहुत सुंदर साक्षात्कार आप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनंदा जी, पिछले लंबे समय से जो हम ये इंटरव्यूज की, साक्षात्कार की, मुलाकात का सिलसिला हमने शुरू किया है, उसकी शुरुआत हमेशा से हम करते आए हैं किसी भजन से, किसी भक्ति संगीत की रचना से। तो आपसे भी यही गुजारिश होगी कि बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे। जी जरूर, मीराबाई का भजन जो कि राग मिश्र मांड में है, उससे शुरुआत करती हूँ। शब्द है, तुम सुनो दयाल म्हारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो ना काढ़ो थारी मर्जी, तुम सुनो दयाल।
राखी प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो मारी मर्जी हो, चरण लगावो मारी मर्जी हो, मारी अर्जी सुनो दयाल, सुनो दयाल मारी अर्जी, मारी अर्जी, मारी अर्जी, मारी अर्जी, मारी अर्जी। सुनंदा जी, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत सीखने का सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत कम उम्र से शुरू हो गया था, 5 साल की थी आप, और गुरु के तौर पे आपको सबसे पहले आपके पिता मिले यानी पंडित सुदर्शन शर्मा जी। तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब कैसे याद करती हैं उन दिनों को? मैं बहुत छोटी थी जब खेल खेल में ही मेरी संगीत शिक्षा शुरू हो गई थी। घर में मैं रोजाना वायलिन सुनती थी क्योंकि मेरे पिताजी वायलिन वादक थे और वो दिन भर रियाज करते थे और बहुत सारे उनके शिष्य स्टूडेंट्स आते थे, उनसे सीखते थे। और मेरा जन्म यहाँ हिमाचल में हुआ और ये पठानकोट के पास पूरा एरिया, यहाँ उन्होंने कई लोगों को संगीत शिक्षा दी। तो मेरी जो बचपन की यादें यही हैं कि मैंने देखा पिताजी को या तो संगीत करते हुए या संगीत सिखाते हुए। और खेल खेल में ही मेरा संगीत इस तरह से शुरू हुआ कि उन्होंने एक आध बार कोशिश की कि मुझे वायलिन वो सिखाएं, लेकिन मैं सिर्फ गाना ही चाहती थी। तो उनको शुरू में ही समझ आ गया था कि मैं गाना चाहती हूँ और फिर बचपन से ही मेरी तालीम शुरू हो गई। मैं 5 साल की थी जब विधिवत मेरी शिक्षा उनके साथ शुरू हो गई। मतलब रोज़ अगर मैं रियाज ना करूँ तो शाबाश नहीं मिलती थी और मेरे दादाजी से मुझे इनाम नहीं मिलता था। तो इसलिए मुझे जब मैंने बचपन में छोटी छोटी बंदिशें सीखनी शुरू कर दी तो स्कूल में जब गाना शुरू किया तो मुझे सारे बच्चों से अधिक अटेंशन मिलती थी। तो एक बच्चे को इस चीज़ को पाकर बहुत अलग तरह का आनंद महसूस होता है। तो शुरू में तो अपने पिताजी की और अपने दादाजी की शाबाशी पाने के लिए और अपने स्कूल के टीचर्स की शाबाशी पाने के लिए मैं नित नया सीखना चाहती थी। और धीरे धीरे फिर मुझे मालूम हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो ईश्वर ने मुझे दी है, जो कि मुझे सीखने को इतनी कम उम्र में ये चीज़ मिलनी शुरू हो गई। और इससे आप कभी अपने आप को अकेला नहीं पाते हैं। तो बचपन की यही यादें हैं कि जब भी गाया तो पिताजी, बहुत कम होता था कि वो तारीफ़ करते थे, लेकिन जब कुछ मैं अच्छा गाती थी तो इनाम ज़रूर मिलता था मुझे। और छोटी छोटी बंदिशें थी तो वो जब मैं उनको मंच पे गाती थी तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी उसको देख के मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जैसे अवार्ड मिल गया हो, ऐसी खुशी बचपन से ही मुझे प्राप्त होती थी। और हमारे एरिया में इधर मंदिर बहुत हैं तो मेरा जो सबसे पहले जो कार्यक्रम है ज़्यादातर जैसे शिवरात्रि महोत्सव में हो गया या सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन हो गया तो बहुत सारे लोग एकत्र होते थे, तो मैं छोटे बच्चे के रूप में वहाँ जाती थी और बिना अनाउंस किए कि मैं राग बसंत गाऊंगी तो बसंत के बारे में मैं बता के कि इसमें फूलों की चर्चा है, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुई वो छोटी जगह है, गांव है, तो वहाँ के लोगों को रागों के बारे में तो मालूम नहीं था, लेकिन ज़रूर उनको पता था कि ये कुछ ऐसी बंदिशें गाती हैं जिसमें फूलों की बात होती है। अब भगवान शंकर का कुछ सुना दो, शिवरात्रि महोत्सव है तो ज़रूर मैं बाबा भोलेनाथ पे कोई बंदिश रचना सुनाती थी और लोग बहुत प्रसन्न होते थे। इस तरह बड़े ही प्रेम से मेरा बचपन का जो बड़ी वॉर्मथ के साथ मेरी जो संगीत शिक्षा शुरू हुई। और पिताजी के बहुत मित्र जो संगीतकार थे वो घर में आते थे और हमारे घर में संगीत की बैठकें होती थी तो उसको देख देख के सुन सुन के मैं धीरे धीरे सीखती चली गई। और सारे बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे लेकिन अगर कोई घर में संगीत हो रहा है मैं कभी वहाँ से हिलती नहीं थी, चाहे 2 घंटे 3 घंटे हो
सारे बच्चे चले जाते थे लेकिन मैं वहीं बैठी रहती थी। और पिताजी ने संगीत की दुनिया बचपन में उंगली पकड़ के मुझे दिखानी शुरू कर दी। पठानकोट में संगीत सम्मेलन होता था, जालंधर हमारे यहाँ से पास है, वहाँ से बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता था, तो हर सम्मेलन में मुझे अपने साथ लेके जाते थे और मैं श्रोताओं के बीच में बैठ के हर कलाकार को बहुत ही प्रसन्नता से और बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनती रही बचपन से। और बचपन से ही मुझे उन्होंने भेद बताना शुरू कर दिया, देखो ये बनारस घराना है, देखो ये ग्वालियर घराना है, देखो ये पटियाला घराना है, इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है। तो ये अपने साथ ले जाते थे और मुझे ये सब उन्होंने दर्शन कराया बड़े बड़े कलाकारों का। तो ये बचपन की बहुत सारी मधुर यादें हैं। उन्होंने एक बड़ी दुनिया खोल दी मेरे सामने, सिर्फ घर में ही नहीं सिखाया बल्कि दिखाया मुझे कि देखो लोग मंच पर कैसे गाते हैं और बड़े कलाकार कितने बड़े साधक होते हैं। कहानियाँ सुनाते थे, कहानियाँ मैंने बहुत सुनी। मेरे बल्कि दादाजी बचपन में कहानी सुनाते थे कि काशी विद्या का गढ़ है, तो ये बात कहीं दिमाग में रजिस्टर कर गई। और बचपन से ये होता था कि मैं एक दिन काशी जाऊँगी विद्या प्राप्त करने, संगीत सीखने, और यहीं मैं हिमाचल में वादियों में यहीं पहाड़ों में बैठ के मैं मनन करती थी, सोचती थी कि एक दिन काशी ज़रूर जाऊँगी। और मेरे पिताजी को भी मालूम था क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, रागों की तालीम उन्होंने बचपन से दी, लेकिन एक वोकलिस्ट से सीखना बहुत ज़रूरी था। और वो बहुत शांत स्वभाव के थे, वो बहुत पेशेंस के साथ मुझे तालीम देते गए, लेकिन वो कहते थे अभी इंतज़ार करो, समय आने पर सब होगा। और सचमुच वो समय आया कि मुझे बनारस घराने की एक देवी स्वरूप गुरु माँ, सरस्वती माँ का रूप कह लें जिनको, मिली। तो उसके बाद आगे की शिक्षा मेरी शुरू हुई। लेकिन आज भी बचपन की बातें याद करती हूँ तो बचपन की जैसे बंदिशें, अभी मैं बागेश्वरी में दूसरी बंदिश गाती हूँ। अभी कल ही मुझे ध्यान आया कि मैं बहुत छोटी थी तो मैं ये गाती थी बंदिश। बंदिशें, छोटे छोटे तराने, वो सब याद आते हैं जो कि खेल खेल में सीखे थे। और झट से स्कूल में जैसे किसी ने बोला तो झट से स्टेज पे गए और छोटी सी बंदिश गा दी। तो बचपन में नींव पड़ती है, ये सच है, और मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचपन से ही उन्होंने सरस्वती माँ का आशीर्वाद दिया कि मुझे शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो गई। अच्छा सुनंदा जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जब आपने संगीत सीखना शुरू किया तो किसी तरह की चुनौतियां भी थी, क्योंकि मतलब हम धीरे धीरे ज़रूर विकसित हुई है हमारी सोच, हमारा जो नज़रिया है वो बेहतर हुआ है संगीत के प्रति, लेकिन कई बार ये भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि घर की लड़की को संगीत क्यों सिखा रहे हो, संगीत सीखकर क्या करेगी। क्या इस तरह की कोई चुनौती थी एक एक लड़की होना और संगीत सीखना? जी शिवेंद्र जी, हमारा देश बहुत विकसित है लेकिन
कभी कभी ऐसी चुनौतियाँ और ऐसी चीज़ें फेस करने को मिल जाती हैं ज़रूर। अगर मैं अपनी बात कहूँ, बचपन में खैर हमारा परिवार, उसमें शुरू से ही माँ सरस्वती की उपासना रही, संगीत का अभ्यास होता था बचपन से, मैंने जो देखा तो ऐसा कोई भेद नहीं था कि लड़का है या लड़की है, संगीत सिखाना है तो मुझे तो बहुत प्यार से बल्कि बहुत प्रेरणा दी मेरे दादाजी ने कि तुमने कलाकार बनना है, और क्योंकि उनको बहुत पसंद था शास्त्रीय संगीत, मेरे दादाजी को भी तो, और उन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी। लेकिन जब मैं बाहर निकली, जब पढ़ाई आगे जैसे मास्टर्स वगैरह से पहले जब मैंने सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे तो सब कहते थे इसको डॉक्टर बनाओ या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जैसे नॉर्मली सब लोग कहते हैं, तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं आर्ट्स ही लूँगी, इसलिए क्योंकि अगर मैं मेडिकल लेती हूँ तो मुझे पूरा फोकस वहाँ चाहिए, तो आर्ट्स में मैं उसी दुनिया में रहना चाहती थी कि घर में भी संगीत सीख रही हूँ और उसमें भी मुझे मिले। तो उस समय लोगों ने आलोचना की थी कि अरे हंसी आती है कि लोग कहते हैं कि इतनी होशियार आपकी बेटी है, मेरिट लिस्ट में आती है, तो फिर इसको डॉक्टर क्यों नहीं बना रहे, आर्ट्स क्यों रख रही है। ये धारणा है हमारे समाज में कि अगर कोई बच्चा नालायक है तभी वो संगीत या एक्टिंग या इस तरफ या खेल इस तरफ जाएगा। तो ये मुझे भी सुनने को मिला, इवन हमारे टीचर्स, उन्होंने बोला तुम तो साइंस में इतनी अच्छी हो, मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी हो, तुम तो कई कई अच्छी जगह जा सकती हो, तो ये संगीत आर्ट्स क्यों ले रही हो। तो पर मैं शुरू से, मुझे अपनी दुनिया का मालूम था, मुझे इसी में आनंद आता था, मुझे कुछ नहीं और चाहिए था। तो हाँ, क्रिटिसिज्म हुआ, और उसके बाद जब बाहर सीखने जाने की बात हुई तब भी मेरे पिताजी को कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे घर की बेटी को आप बाहर भेज रहे हैं संगीत सीखने के लिए, तो वो सब ये सब सुन के वो चुप हो जाते थे, रिएक्ट नहीं करते थे, शायद वो मंथन करते होंगे दिल में और वो सोचते थे, और उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, शायद इसलिए कि मैं जब संगीत सीखने के लिए जो मेरा फैसला होता था वो इतना कंफर्म उनको लगता था या उसमें इतना कॉन्फिडेंस दिखता था, इतना उनको लगता था कि ये चाहती है पूर्णतः, तो उसको उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहन दिया मुझे। मेरे हिस्से का जो क्रिटिसिज्म था ज़्यादातर मेरे पिताजी ने ही ले लिया था। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर बेटी, अभी मेरी भी बेटी है, जो बेटी है वो अगर कुछ करना चाहती है तो माँ बाप को एक बहुत बड़े पिलर की तरह उनके साथ खड़े होना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ती है, क्योंकि शुरू में ही उनको इस तरह की जद्दोजहद में ज़्यादा पड़ने से बहुत समय का लॉस होता है, बहुत चीज़ों का नुकसान होता है। लेकिन अगर आप दिल से जानते हैं, और ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि लड़कियाँ अगर कुछ करना चाहती हैं, अगर वो कन्फर्म हैं, अगर वो जानती हैं, तो बड़े आनंद से उस रास्ते पे वो चलती रहें, तो धीरे धीरे सभी उस चीज़ का स्वागत करते हैं और उस चीज़ को मान देते हैं और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा। बड़ी अच्छी बात कही आपने सुनंदा जी, और मैं इसी पर गुजारिश करूँगा कि हम इंटरव्यू को और आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि सेमी क्लासिकल जॉनर में से कुछ जो आपके दिल के करीब हो, कुछ जो आप हमें सुनाना चाहें। जी जरूर, मैं एक ठुमरी सुनाती हूँ राग मिश्र भैरवी में। बांसुरिया कैसी बजाई शाम, मोहत ब्रिज की बाम, बांसुरिया। बसुरिया
अच्छा सुनंदा जी, इस इंटरव्यू को अब इसी बहुत खूबसूरत और सुरीले मोड़ पे रोकते हैं और अगले हिस्से में, कार्यक्रम के इस इंटरव्यू के अगले हिस्से में हम आपसे बातचीत करेंगे आपकी गुरु यानी गिरजा देवी पर काफी विस्तार से। तो यहां ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।